आर्थिक राजधानी मुंबई से दूर दराज के इलाकों में जाने वाली ट्रेनों में इन दिनों फर्जी टीसी की बाढ़ आ गई है। लोगों को कोविड 19 के नियमों का हवाला देते हुए उनसे पैसों की उगाही की जाती है। और इसी कड़ी में कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक फर्जी टीसी पकड़ा गया है जो रेल यात्रियों से कोरोना के नियमों का हवाला देकर टिकट जांचने के नाम पर उनसे पैसों की उगाही करता था। अपनी टीवी स्क्रीन पर नारंगी कलर के इस शर्ट का पहने इस शख्स को आप जरा गौर से देखिए, यह वही शख्स है और इसका नाम पुलिस ने सार्वजनिक किया है। पुलिस का कहना है कि शिवाजी जाधव नाम के यात्री से कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट के लिए इसने पैसे मांगे, जिसके बाद शिवाजी जाधव की निशानदेही पर इस नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम आशीष सोनावने बताया जा रहा है। छानबीन में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी के खिलाफ कल्याण इलाके में 7 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं आरोपी के पास एक अस्पताल का फर्जी पहचान पत्र भी मिला है, जिसका इस्तेमाल वो लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों में सफर करने के लिए कर रहा था। कल्याण रेलवे पुलिस स्टेशन फराट क्रमांक 4 वर त्या ठिकाणी फिर्यादी कुमार जाधव व त्यांच्या पत्नी यांना परभणी येथे जावायचे असल्याने ते त्यांच्या ट्रेनची वाट बघत बसले होते। त्यावेळेसच एक इसम त्यांच्याजवळ आला, सांगितलं की मी टी सी आहे, तुमचं तिकीट दाखवा, तुमचं अँटीजेन टेस्ट झाली किंवा नाही झाली ते दाखवा। या बहाण्याने त्यांचं तिकीट वगैरे चेक केले आणि त्यांना सांगितलं की तुमच्याकडे काहीतरी कारण सांगून तुमच्यावर मी दंडात्मक कारवाई करील, पत्नीचं अँटीजेन टेस्टचं रिपोर्ट व्यवस्थित नाही असं सांगून पैशांची मागणी केली। म्हणून फिर्यादी यांना शंका आल्याने त्यांनी तिथे प्लॅटफॉर्मवर असलेले ड्युटी कर्मचारी यांना सांगितलं, त्यांनी पोलीस स्टेशनला आणला, आम्ही त्या सदर आरोपिताची खात्री केली आणि तो बनावट टी सी असल्याचं निष्पन्न झालं, त्याला अटक करून आज रोजी कोर्टात हजर केलेला आहे। मी आपल्या माध्यमातून हे सांगू शकतो की प्रवाशांनी अशा बनावट टीसींपासून सावधान राहावे आणि काही प्रकार उघडकीस आला किंवा निदर्शनास आला तर तात्काळ पोलिसांना कळवायचं आहे। आरोपीची आता पार्श्वभूमी पूर्व इतिहास तपासायचं चालू आहे। आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार त्याच्यावर बाजारपेठ पोलीस स्टेशन, MFC पोलीस स्टेशन आणि कोळशेवाडी पोलीस स्टेशन या ठिकाणी असे वेगवेगळ्या प्रकारचे 7 गुन्हे दाखल आहेत, परंतु ते बॉडी ऑफेन्स आणि थेफ्ट चोरीचे आहेत। बनावट टी सीचा हा पहिलाच गुन्हा त्याचं निदर्शनास आलेला आहे आतापर्यंतच्या तपासात।